नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, आप देख रहे हैं आजाद खबर 24। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, मैं पहुंचा हूं नारायणगढ़ बस स्टैंड पर। नारायणगढ़ बस स्टैंड पर छात्रों के द्वारा आज पहलवानों के सम्मान में मैदान में आए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, आखिर क्या है पूरा मामला देखने की कोशिश करेंगे। देखते रहें आजाद खबर। जी अजय, स्वागत है चैनल पर आपका जी। क्या कुछ कहना चाहोगे आज? आज छात्र संघर्ष मंच हरियाणा द्वारा नारायणगढ़ बस स्टैंड पर बेटियों, जो देश की बेटियां हैं, जो लगातार कई दिनों से धरने पर बैठी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनकी उचित डिमांड है उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। हालांकि WFI को भंग कर दिया गया है और जो UP से सांसद है, जो WFI के अध्यक्ष थे और जो मुख्य आरोप जिन पर लग रहे हैं सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनके बयान भी दिल्ली पुलिस ने दर्ज कर लिए हैं। लेकिन क्योंकि उन पर पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है तो तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, वो गिरफ्तारी अब तक भी नहीं हुई है और इस कारण से पहलवान जो है अब भी धरने स्थल पर डटे हुए हैं। और CSM हरियाणा सरकार से, केंद्र सरकार से ये डिमांड करता है कि क्योंकि जब ये बेटियां देश के लिए मेडल लेकर के आती हैं तब मोदी जी भी कहते हैं कि आप हमारे साथ लंच पर आइए, तब उनको घर पे बिठा करके लंच करवाया जाता है और उस टाइम पे देश का गौरव होती हैं बेटियां। लेकिन जब वही बेटियां जंतर मंतर पर बैठ करके, सड़कों पर बैठ करके आंसू बहाती हैं, तो यही जो मोदी सरकार है ये अपनी पुलिस के द्वारा उन पर लाठियाँ भांजती है और जो है उनके सिर तक फोड़ दिए जाते हैं। जब ये बेटियां अपने आंसू बहा रही हैं वहां पर, तब मोदी सरकार को, तब मोदी जी को, अमित शाह जी को ये नहीं दिख रहा कि ये देश की बेटियां हैं। तब उनके ऊपर ये आरोप लगते हैं कि ये तो हरियाणा की बेटियां हैं, ये जाटों की बेटियां हैं, ये जो यहां पे राजनीति कर रही हैं। इस तरीके से उनके आंदोलन को बदनाम करने की भी पूरी कोशिश जो है ये फांसीवादी, ये पूंजीवादी सरकार कर रही है। और इनके समय में हर कोई सड़क पर है, चाहे उसमें पहलवान हो, चाहे उसमें किसान हो, चाहे उसमें जवान हो, हर कोई इस सरकार से तंग आ चुका है, हर कोई सड़क पर उतर रहा है। तो हम छात्र संघर्ष मंच इस देश का भविष्य होने के नाते, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, इस देश का भविष्य होने के नाते हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आने वाले समय के अंदर अगर सरकार इसी तरीके से फांसीवाद को फैलाती रही, पूंजीवाद को फैलाती रही, तो देश का भविष्य गर्त में जाएगा। हम इस सरकार के फांसीवादी रवैये के बिल्कुल विपरीत हैं, इसके विरोध में खड़े हैं। हम इसको बिल्कुल भी चलने नहीं देंगे, ये तानाशाहियाँ पर बर्दाश्त नहीं होगी। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि CSM यही डिमांड करते, जो महिला पहलवानों की डिमांड है कि सबसे पहले तो ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए, दूसरा जो जांच कमेटी बनाई जाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो खुद लाठियां भांज रही है पहलवानों पे, वो जांच कर रही है तो उसकी जांच पे भरोसा नहीं हो सकता, कर भी नहीं सकते, क्योंकि दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंतर्गत आती है और अमित शाह खुद सरकार में है, खुद ब्रिजभूषण शरण सिंह के जो लिंक में है, तो इस तरीके से दिल्ली पुलिस की जांच पे भी भरोसा हम नहीं कर सकते। तो ये जो जांच कमेटी बनाई जाएगी, ये निष्पक्ष जांच कमेटी होनी चाहिए ताकि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो। जी जी, ये थे अजय छात्र संघर्ष मंच से। देखते रहें आजाद खबर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, लाइक करें, कमेंट करें।